वेलकम बैक टू एसएम इनक्यूबेटर्स दोस्तों, ये हमारा न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है 500 कैपेसिटी वाला। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए हमारा ये इसका ओवरऑल व्यू आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कैसा उसका व्यू है। मैक्सिमम 500 एग्स आएगा आपका। चिकन का डालो तो 500 आएगा, डक्स का डाले तो 500 आएगा, जापनीज कॉइल्स का डालेंगे तो आपका इसमें 1000 एग्स आएगा डेफिनेटली दोस्तों। ये देखिए इसका ओवरऑल बॉडी आप देख सकते हो, और इसमें आपको एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों कंट्रोलर्स मिलते हैं सर। आप इसका आपको बेनिफिट हो जाता है, और ये लो रेंज में हमने खास न्यू मॉडल मैन्युफैक्चरिंग किया है। देख सकते हो जैसे कि इसका पैनल आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, तो पैनल में ये प्राइमरी हीटर, सेकेंडरी हीटर, ह्यूमिडिटी, मैनुअल टर्निंग, वर्क लाइट, टर्निंग ऑन ऑफ ये सिस्टम दी गई है। ये स्लाइडिंग ट्रे रोटेशन में इस मशीन आती है। मैं आपको इसका अभी ओवरऑल व्यू दिखाऊंगा ये मशीन को प्लग इन करके। ये देखो मशीन प्लग इन होने के बाद जैसे कि मेरे 1000-1500 के मॉडल है उसमें जैसे सिस्टम है वैसे ही इसमें सिस्टम है। अभी सेकेंडरी ऑन कर दूंगा तो सेकेंडरी ऑन हो रहा है, ह्यूमिडिटी ऑन करूंगा तो ह्यूमिडिटी, वर्क लाइट आपको दिखाने के लिए हम वर्क लाइट ऑन कर रहे हैं, और टर्निंग टर्निंग ऑन मतलब ये ऑन, यहाँ से आप मैन्युअली ऑफ कर सकते हो। अभी ऑन रखे तो ये सिस्टम में ऑन रखा हुआ है। अभी मैं इसको ऑटो पे रखता हूँ, ऑटो पे रखने के बाद ये नहीं चलेगा, लेकिन अभी 18 डेज के बाद आप डायरेक्टली इधर से ऑफ कर सकते हो। तो अभी इसको ऑन रख देते। मशीन के राइट हैंड साइड में दो डोर क्लोजर आते हैं, एयर टाइट डोर क्लोजर। ये देखो ऐसे रिमूव करना है उसको, आप देख सकते हो। ये रिमूव करने के बाद मशीन का ये फ्रंट व्यू में पूरा ग्लास फिनिश्ड आता है। उसके बाद इसके अंदर सेटिंग के 10 ट्रे आते हैं। हर ट्रे में 95 एग्स रहते हैं। इसे 6 सेटिंग ट्रेज आते हैं इस मशीन में। आपको मैं टर्निंग करके बताता हूँ ये किस तरह रोटेट होते हैं। देखिए इसमें ओवरऑल जो मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है अच्छे से अच्छे बेस्ट रिजल्ट आए इस हिसाब से इस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है दोस्तों। इसमें देखिए आप देख सकते हो एग्जॉस्ट वेंट भी है, आप जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर जा रहा है तो आप इसको एग्जॉस्ट ओपन कर सकते हो, ऐसे क्लोज करना, ऐसे सिस्टम रखा है इस मशीन में। उसके बाद इस मशीन के साथ आपको दो हैचिंग ट्रेज आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। इस साइड से दो हैचिंग ट्रेज आते हैं जो आप आफ्टर 18 डेज इसमें एग्स रख सकते हो। इसमें आप बैच वाइज सिस्टम भी निकाल सकते हो, आप वीकली एग्स डाल सकते हो। इसमें मैं आपको वीकली एग्स बताना चाहूंगा, वीकली एग्स कैसे डाले जाए। इस मशीन में आप वीकली 160-170 एग्स डाल सकते हो। हर 7 डेज में आप 160 to 170 का साइकिल कर सकते हो। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है दोस्तों। ये मशीन देख सकते हो आप, इसका पैनल इंडस्ट्रियल पैनल में बनाया गया है इस मशीन को। इसमें इनसाइड में जो सिस्टम है वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी इंडस्ट्रियल है। आप इधर देख सकते हो उसका ह्यूमिडिटी वाला सेंसर, इसमें वाटर का रिबन लगा के यहाँ पे पानी का बाउल लगा है, इसमें रोज आपको पानी फिल करना है, और ये ड्राई वाला सेंसर है आप देख सकते हो। ये इंडस्ट्रियल वाला सेंसर है, किसी कंपनी को ये लगाने के लिए परवड़ता नहीं है, क्योंकि ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण इसको मेरे को क्रॉस कटिंग रेंज में आता है, तो मेरे को इसमें लगाने के लिए परवड़ता है और मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। ये मशीन का कीमत भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आपको मार्केट रेट के हिसाब से ही मिल रहा है।
मतलब सभी कस्टमर्स का ये आ रहा था कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगा है। इस हिसाब से हमने ये मद्देनजर रखते हुए इस मशीन का कॉस्ट थोड़ा कम रखा है, मतलब हर कोई बाय कर सके। SM इंक्यूबेटर्स के सब हेवी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, आपको तो पता ही होगा दोस्तों। अभी मैं आपको इसके इनसाइड वाले ट्रे को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, व्यूअर्स आप देख सकते हो इस मशीन के इनसाइड में एक बाउल दिख रहा है, वाटर बाउल। इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर वाटर फिल करना है आपको। उस वाटर फिल करने के बाद समझो आप ज्यादा भी वाटर डालते हो तो उसको ब्लू कलर का जो आपको पाइप दिख रहा है उससे वो वाटर ड्रेन हो जाएगा। उसमें पानी भरना है, हर डेली आपको उसमें पानी भरना है और जरूरत के हिसाब से ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा। ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के बाद आपको ये जो फैन दिख रहा है उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ये जो फैन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के बाद। आप देख सकते हो ये सिरेमिक हीटर के साथ बनाया गया है, इसमें हाई स्पेशल फैन लगे हुए हैं। आप देख सकते हो इसमें 6 सेटिंग ट्रेज आते हैं तो 6 रोटेटिंग मोटर्स आती है इस मशीन में, आप देख सकते हो। और ये मशीन 65 kg में आता है, एकदम हेवी मटेरियल में बनाया गया है, 65 kg में आता है। इसका 1 ईयर वारंटी SM इंक्यूबेटर्स की तरफ से आता है। इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अच्छी तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या दिक्कतें आती है उसमें हम पूरी आपको मदद करते हैं इस मशीन लेने के बाद। इस मशीन का पावर कंजम्पशन है दोस्तों 400 वाट। हम 50 वाट ज़्यादा बताते हैं, ओवरऑल इस मशीन का 350 वाट है लेकिन हम 400 बताते हैं क्योंकि कम से थोड़ा ज़्यादा होएगा कभी भी अच्छा रहता है। ये आपके घर के इन्वर्टर में भी चल सकता है। ये सिंगल फेस मशीन है दोस्तों, ये आप घर के 150 एम्पियर के बैटरी पे ये दे देंगे तो आपके घर के साथ आपका मशीन भी एक 6 से 8 घंटा बैकअप दे सकता है। इसको क्या एट अ टाइम मतलब अभी जो आप देख रहे हो फुल लोड में इसका 400 वाट्स लोड है, लेकिन ये समझो सेकेंडरी हीटर टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद बंद हो जाएगा, प्राइमरी बंद हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बंद हो जाएगा दोस्तों, तो ये मशीन टोटली 70 वाट पे चलता है दोस्तों। मतलब ये पावर सेविंग हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होता है इसमें। जब ये हीटर वापस स्विच होते हैं तो उसका ओवरऑल मैक्सिमम वाट जो है वो 400 वाट हो जाता है दोस्तों। टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद वो 70-80 वाट पे आ जाता है। एक बैच का आप इलेक्ट्रिसिटी देखने जाओगे तो मैक्सिमम इसका 200 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा इस मशीन में। मतलब आपका जो 21 डेज का मतलब 500 एग्स हैचिंग का जो आपका खर्चा है वो ओनली फॉर 200 रुपीज होगा। आपको पता होगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स है, तो हमारे यहाँ के हिसाब से 200 रुपीज मैक्सिमम इस मशीन को 200 रुपीज इस मशीन को आपको 21 डेज में खर्च होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। अभी कोई अलग स्टेट में है, कोई यूपी बिहार में है, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट बट ऑब्वियस कम ही है महाराष्ट्र से, तो वहाँ आपको मैक्सिमम 150 रुपीज के हिसाब से आपको एक ओवरऑल एक 500 के बैच का आपको खर्चा आ जाता है। और ये मशीन आप देख सकते हो फुली हेलम सीट में बना है, इनसाइड में कंपोजिट पैनल है। आप देख सकते हो ड्रेंट वाटर, यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रेंट वाटर है। इसका आउटसाइड पैनल वायरिंग है, इसमें रिलेज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ऐसे कुछ खराब तो नहीं होती चीजें जब खराब होती है अपने पास हाई एंड लो वोल्टेज आ जाए उस टाइम पे आपकी कोई भी कंपोनेंट्स खराब होने की संभावना होती है। वैसे ये भी आपको SM इंक्यूबेटर्स की तरफ से 1 ईयर की वारंटी आती है। आपको तो ये सभी प्रोडक्ट्स मेरे पता होंगे जो 80 है, 160 है, 275 है, सब हमारे पास रेडी है। अभी हमारा मतलब महाराष्ट्रियंस का जो त्यौहार होता है दशहरा के लिए हमारे पास बहुत सारे मशीन का ये रेडी है, बहुत सारे मशीन का काम चालू है। देख सकते आज हमारा आज फ्राइडे होने के कारण हमारा आज कंपनी बंद है। खास आपको न्यू मॉडल्स का
रिव्यू दिखाने के लिए, वीडियोस दिखाने के लिए आज हमने खास फैक्ट्री को ओपन किया है दोस्तों। अगले वीडियो में आपके लिए मैं जरूर कुछ अच्छा लेके आने के लिए प्रयास करूंगा। मेरा अगला टारगेट मेरे हिसाब से ये है कि अभी कोरोना बहुत ज्यादा कम हो गया है दोस्तों, एक 20% पे आ गया है, तो हमारे यहाँ पे अगले महीने से नवंबर या दिसंबर से हमारे पास गवर्नमेंट से ट्रेनिंग शुरू होने वाली है दोस्तों, जो 7 डेज ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट की। तो 7 डेज ट्रेनिंग है वो हम आपको एक 3 डेज में कंप्लीट करेंगे, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में सिखाया जाता है, मतलब स्टार्ट टू एंड तक, हाउ टू डेवलप चिक्स, कैसे चिक्स को केयर करना है, बाद में आपके पेरेंट्स कैसे डेवलप करने हैं, सब ओवरऑल विथ पीपीडी, मतलब आपको पीडीएफ पे भी दिखाया जाएगा। हमारे 100 से 150 स्टूडेंट हो गए वहां पे, तो वहां सब मेरे व्यूअर्स को आना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं सबके एपिसोड बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, बेल बटन को क्लिक करे, मेरे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।